You can brief it. The tomb of a real person that inspired the writer of the saga of Harry Potter. Okay. So it's called J.K. Rowling, and okay. is a writer that she used to walk. Yeah, wo elephant house. जहाँ पे हम आए थे पहले ये कैफे था और अब इसको म्यूजियम बना दिया गया है कि यहाँ पे क्या है कि हैरी पॉटर की स्टोरीज बताते हैं कि उसने स्टोरी लिखी थी यहाँ पे उस बंदे ने जहाँ जब से मूवी शुरू हुई थी तो यहीं पे स्टोरी मेक अ स्टोरी हियर सॉरी व्हाट इज इट आउटलैंडर मूवी है ये उसमें दिखाया गया है आप देख सकते हो अगर आप गूगल करोगे तो आउटलैंडर मूवी में ये दिखाया गया कैन यू शो मी विच वन द आउटलैंडर पार्ट यू कैन यू यू जस्ट शो मी द गूगल व्हाट इज इट हाँ ये देखो हम स्कॉटलैंड की इसमें आ गए हैं पार्लियामेंट पे ये देखो स्कॉटलैंड की पार्लियामेंट है हमने इसमें एंट्री कर दी है वेलकम टू द स्कॉटलैंड पार्लियामेंट ये देखो भाई राम राम जी स्वागत है नई वीडियो में भाई अभी अब मैं आपको एक ऐसी जगह लेके आया हूँ जहाँ पे बहुत कम लोग जाते हैं जिन लोगों को बिल्कुल भी स्कॉटलैंड की इस जगह के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है बहुत कम लोग हैं जो यहाँ पे आते हैं आपने हैरी पॉटर मूवी देखी होगी उसका जो किरदार है वो यहाँ से इंस्पायर है यहाँ से उन्होंने लिया है उसका किरदार मैं आपको दिखा देता हूँ वो क्या है वो चीज़ यू कैन ब्रीफ इट व्हाट इज इट यू कैन ब्रीफ इट ओके ब्रीफ इट इज द टॉम्ब ऑफ अ रियल पर्सन दैट इंस्पायर्ड द राइटर ऑफ द सागा ऑफ हैरी पॉटर ओके सो इज कॉल्ड जे के रोलिंग एंड इज अ राइटर that she used to walk around this cemetery to to take inspiration of for the, her for books. Movies yeah. books. Basically Voldemort's yeah was the name of Voldemort yeah and is the villain of the saga is villain of Harry Potter movie yeah You also explain. No, that's तो भाई जो इन्होंने कहानी बताई वो ये है कि ये उसकी सिमेट्री है जो बंदे ने जो हैरी पॉटर मूवी का राइटर है जो उस इससे एस्पायर होके उन्होंने वो लिखी है और ये इसको विलन शो किया है हैरी पॉटर मूवी में इस बंदे को विलन शो किया है तो वो इसकी सिमेट्री है तो भाई बहुत कम लोग हैं जो इसको जान पाते हैं स्कॉटलैंड में यहाँ इनकी सिमेट्री है बेसिकली हैरी पॉटर जो मूवी है वो स्कॉटलैंड से ही इंस्पायर होकर बनाई है और ये जो बंदा है ये 1806 में 24 नवंबर 1806 ये देख सकते हो 24 नवंबर 1806 में इसकी नमस्ते हो गई थी समझ लो दुनिया से नमस्ते हो गई थी इसकी और फिर इसकी डॉटर ने और इसने जो भी नीचे फिर इसकी इसकी डॉटर का भी लिखा हुआ है नीचे इसके फिर दूसरी ग्रैंड डॉटर का लिखा हुआ है 47 साल की उम्र में वो चली गई थी तो ये सब चीज़ ये 26 साल की उम्र में चला गया था ये ऊपर वाला 72 साल की उम्र में चला गया था सब चीज़ें इन्होंने इस पर राइट कर रखी हैं और ये सब चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती मुझे नहीं पता था कि ये सब चीज़ें यहाँ पे हैं ये मैडम है जो ये मेरे साथ थी उसमें हॉस्टल में ये मुझे यहाँ पे ले आई और इन्होंने ये गूगल पे सर्च मार के सारी चीज़ें ढूंढी और इन्होंने मुझे यहाँ पे ये बताई तो ये देखने का मौका मिला यार अच्छी चीज़ है और मैं आपको ब्रीफ भी कर पाया हूँ ये बता भी पाया हूँ कि ये स्कॉटलैंड में लोग ये चीज़ें बिल्कुल नहीं देख पाते हैं आते हैं मेन मेन चीज़ें देख जाते हैं और ये सब चीज़ें यहाँ पर नहीं आ पाते क्योंकि टोटली यहाँ पे ये देख रहे हो सिमेट्रीज हैं सारी तो इन सिमेट्रीज पर कोई आ भी नहीं पाता है मोस्टली लोग नहीं आ पाते हैं यहाँ पर तो चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको बने रहिए साथ ही बारिश बंद होगी इस वजह से मैंने कैप उतार ली है नहीं तो कैप पहन के घूमना पड़ रहा है यार यहाँ पे बारिश बार 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 हर 10 मिनट में हर 15 मिनट में बारिश हो जाती है तो अभी वो हम सिमेट्री देख के आए हैं अब हम इसके बाद जा रहे हैं एक और जगह जो है एलिफेंट हाउस वो भी हैरी पॉटर से रिलेटेड है तो इस वाली वीडियो में मैक्सिमम मैं कवर कर पाऊँगा जो हैरी पॉटर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं तो क्योंकि इनको ज़्यादा नॉलेज है ये बार बार ये वर्कआउट करके आए हैं यहाँ पर घूमने के लिए चीज़ें तो इन्हें ज़्यादा नॉलेज है मैं उन सब चीज़ों पे वर्कआउट नहीं किया था मैंने वर्कआउट कर रखा था रोड ट्रिप पे तो इनका वर्कआउट या के लोकल एडनब्रा के लोकल टूर पे वर्कआउट कर रखा है इन्होंने तो ये बढ़िया रहा कि ये मुझे सुबह मिल गई तो इन्होंने चीज़ें बता दी मुझे ईजीली होगी मेरे लिए कई बार क्या होता है कि आपको हॉस्टल में लोग मिल जाते हैं अच्छे लोग भी मिलते हैं बुरे लोग भी मिलते हैं तो अच्छे ये अच्छे लोग हैं इन्होंने मुझे बताया मुझे ब्रीफ किया तो अभी बस ये वहाँ ढूँढ रही हैं चीज़ें कहाँ पर हमें जाना है तो अब चल रहे हैं साथ में बस ढूँढते हुए पानी में पैर चला गया अरे मैडम ने हंसना शुरू कर दिया तो भाई अभी चल रहे हैं बस वहाँ एलिफेंट हाउस जो हैरी पॉटर से रिलेटेड है वहाँ पे चलते हैं और चीज़ दिखाते हैं आपको बने रहिए साथ बहुत शानदार मौसम हो रखा है ये देखो कितना बढ़िया मौसम हो रखा है ये ओल्ड टाउन में हम घूम रहे हैं वॉक कर रहे हैं और उसको ढूंढ रहे हैं वो जो
एलिफेंट हाउस है, इनको पता है, इन्होंने अपने उसमें गूगल पे लगा रखा है, तो इनके साथ साथ घूम रहा हूँ, चीज़ें देख रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है यार। ये देखो बिल्कुल मस्त जगह है, एकदम से मस्त। और अभी मौसम इतना शानदार हो रखा है कि अब बारिश बंद हो गई है तो मौसम और ज़्यादा अच्छा हो गया है, तो भाई बहुत ही मज़ा आ रहा है। ये देखो छोटा सा बच्चा उसको उसकी नोज़ को टच कर रहा है और ट्राई कर रहा है उसे कुछ मिल जाए उसकी नोज़ टच करने से, हाँ क्योंकि उसकी नोज़ बिल्कुल अलग है, ये देख सकते हो आप, ये देखो इसकी नोज़ बिल्कुल अलग है, तो लोग टच कर रहे हैं उसको, मज़े ले रहे हैं, शायद इनको अच्छा लग रहा है नोज़ टच करने में। तो भाई देखो ऐसा कुछ नज़ारा है एडिनबरा का, ये बस ट्रिप जो मैंने लास्ट टाइम किया था, आपने भी लास्ट वीडियो में देखा भी होगा मैंने बस ट्रिप किया था, बट उन वीडियोस में आप देखोगे तो मैं बहुत ज़्यादा से अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था चीज़ों को, क्योंकि अब यार सीधी सीधी बात है भाई, जब शुरुआत थी, यूट्यूबिंग धीरे धीरे कर रहे हैं, धीरे धीरे सीख भी जाएंगे, और आप लोगों का प्यार बना रहेगा तो और जल्दी सीख जाएंगे और अच्छे से मज़ा आएगा यूट्यूबिंग करने में। तो अभी चलते हैं बस एलिफेंट हाउस, ये देख रहे हैं एलिफेंट हाउस कहाँ पे इन्होंने अभी सर्च किया है, वो एलिफेंट हाउस जहाँ पे हम आए थे, पहले ये कैफ़े था और अब इसको म्यूज़ियम बना दिया गया है, कि यहाँ पे क्या है कि हैरी पॉटर की स्टोरीज़ बताते हैं, कि उसने स्टोरी लिखी थी यहाँ पे उस बंदे ने, जहाँ जब से मूवी शुरू हुई थी तो यहीं पे स्टोरी, मेक अ स्टोरी हियर, sorry what is it is make story here J.K. Rowling, yeah. The writer of Harry Potter wrote here in this cafe, jo J.K. Rowling hai jo Harry Potter ka writer hai usne is cafe mein baith ke wo story likhi thi, is the writer story, yeah, the book, three of the six books, oh not all the books, only three, to unne usne teen books yahan pe likhi thi, to ye pehle cafe hota tha, ab isko museum bana diya, lekin abhi ye close hai bhai, abhi pata nahi door kyu close hai, पता कर रहे हैं इसके बारे में शायद कब ओपन होगा, व्हेन इज गोइंग टू बी ओपन, आज या नाउ इज म्यूजियम, अब तो इसको म्यूजियम ही बना दिया भाई, पर अभी तो क्लोज ही है, और क्या लिखा गया है, ये अभी इसको ना अंदर से इसका रेनोवेशन चल रहा है, तो इज क्लोज for till August 24. Yeah. देख लो यहाँ भी कक्का भाई इंग्लिश में कुछ ना, बहुत ज़्यादा इंग्लिश आवे ना, तो मैं तो ऐसी हिंदी में वीडियो बना दूँगा, अब आप बता दिखा भी दूँ, तो बिल्कुल नाडोज है, नाडोज के सामने है ये द एलिफेंट हाउस। चलो जी ये तो क्लोज है, फिर कहीं और चलते हैं, अब आगे कहीं और चलते हैं, कुछ और चीज़ें देखते हैं, ऐसा कुछ नज़ारा है इसका, ये बिल्डिंग है, ऐसी बिल्डिंग है, ऐसा कुछ नज़ारा है, भाई बहुत पुरानी पुरानी बिल्डिंग है, देखो ना इन पर काई भी जम गई, इतनी पुरानी पुरानी बिल्डिंग है, कुछ नई बिल्डिंग नहीं हो रही। तो अब चलते हैं आगे, यूनिवर्सिटी, वी आर गोइंग यूनिवर्सिटी एडिनबरा, तो अब वहाँ चल रहे हैं भी एडिनबरा यूनिवर्सिटी में, वहाँ भी कुछ हैरी पॉटर के बारे में चीज़ें हैं, वो जाके देखेंगे क्या चीज़ें हैरी पॉटर के बारे में। चलो जी बने रहिए साथ में, दिखाते हैं आपको वो स्ट्रीट है जहाँ पे हैरी पॉटर की फर्स्ट बुक जो लिखी थी उन्होंने, वो यहाँ से स्पायर होके लिखी थी, ऐसा कुछ ये बता रहे हैं मुझे, मुझे तो ज़्यादा पता नहीं इस बारे के, इस स्ट्रीट के बारे में, पर मैं आपको बता देता हूँ, ये स्ट्रीट वो है जो जहाँ पे हैरी पॉटर की जो पहली वाली बुक है ना जो लिखी थी उसने, उस इस स्ट्रीट से एक्सपायर होके लिखी थी, यहाँ पे उसने चीज़ें खरीदी, यहाँ पे उसने बुक्स ली, ऐसा कुछ उस पहली वाली मूवी में दिखाया गया, तो ये वाली वो स्ट्रीट है भाई, देख सकते हो आप, ये स्ट्रीट है वो, एक तो थोड़ा थोड़ा बारिश आ रही है, इस वजह से भी थोड़ा ढंग से ना वीडियोस नहीं बन पा रही है, पर ठीक है, मैक्सिमम जो मैक्सिमम से मैक्सिमम कोशिश कर रहा हूँ बना पाऊँ, वो सब बना रहा हूँ आपको दिखा रहा हूँ। आपको यहाँ ऐसी बस काफ़ी देखने को मिल जाएंगे, एक वाली सिटी बस टूर, और ये देखो इस पर लिखा हुआ है द गोस्ट बस टूर, अब पता नहीं ये कहाँ भूतों को दिखा के लाएगा, ये तो मुझे नहीं पता है क्योंकि मैंने इसमें ट्रैवल नहीं किया है, पूछता हूँ इससे कितने की टिकट है, ये हॉलीवुड हार्ट सर्विस केयर नेशनल गैलरी ये सब दिखाएगा, और भाई ये है द भोग गोस्ट बस टूर, कैसी बस है, भूतों की बस बना रखेगा, शो इज 3:06 PM टू 7:30 PM एंड 9 PM, ticket yeah, and then he got robbed with what's my daughter the
ये है भाई इनका ट्रिप। भाई ये सब पूछता हूँ टिकट लेने के भी किसी से बात करो। व्हाट इज द टिकट प्राइस फॉर यू और ग्रुप? फॉर मी वी हैव फोर पीपल। फॉर फोर पीपल इट्स 51। फॉर 51 एंड फॉर वन? फॉर वन पर्सन 16। ओके फॉर हाउ हाउ मेनी आउट टेक टाइम्स? वन आवर ओके। इफ यू वांट टू बुक इन चीपेस्ट इजीएस्ट फास्टेस्ट with me card cash in a flash takes me like 30 seconds to book your own. Okay, thank you. भाई इसने बता दिया चार बंदों का लोगे तो 51 का है और अकेले का लोगे तो 16 का है और बोल रहा है कि मेरे से बुक करा लो तो 30 सेकंड में आपको सस्ते से बुक करके दे दूंगा। तो भाई मैं तो वैसे ही पूछा था कि मुझे जाने का इरादा नहीं है। और यू वांट टू गो देयर? एक्सक्यूज मी सॉरी यू वांट टू गो देयर? गोस्ट बस? नो सर इज नॉट गुड। आई प्रेफर वॉकिंग। तो ये मोहतरमा ने तो मना कर दिया, इन्होंने बोला कि बेटर है हम वॉक ही कर लेते हैं, वॉक करके ही देख लेते हैं चीज़ें, इन बस में कुछ नहीं रखा है इन्होंने ये बोला। तो ठीक है भाई, क्योंकि आज के गाइड तो यही हैं, इनके साथ टूर कर रहे हैं, वॉकिंग टूर, ये चीज़ें दिखा रहे हैं और बेटर है, इनको चीज़ें पता भी हैं तो इनके साथ देखने में मुझे भी मज़ा आ रहा है, चीज़ें देखने में पता लग रही है, नई नई चीज़ें मुझे दिखा रहे हैं और मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो भाई बने रहिए साथ में, देखते रहिए। ये चर्च, इसमें अंदर आने की एंट्री भी थी, वो एंट्री फीस थी 6 पाउंड। अब वे ये चीज़ बहुत बेटर रही जो मैंने सुबह वो लिया था, मैंने आपको दिखाया था कि लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने वो जो कासल वाला पास है वो ले लिया था, कासल वाला पास मुझे 42 पाउंड का पड़ा था, उससे मतलब लगभग एंट्री फ्री है, लगभग एंट्री जो यहाँ इसमें स्कॉटलैंड में कासल की ये सब बड़ी बड़ी जगहों की ये सब एंट्रीज फ्री हैं। तो ये देख सकते हो यार आप इसकी छत, ये देखो बहुत ही पुराना है तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन बना रखा है चीज़ें। ये देखो भाई ये पूरे मिरर पे कारीगरी कर रखी है, अच्छे वाली ज़बरदस्त कारीगरी कर रखी है। तो ऐसा कुछ चर्च है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसा कुछ चर्च है, ये देखो सामने लोग प्रेयर कर रहे हैं, लोग प्रेयर कर रहे हैं सामने, उधर प्रेयर कर रहे हैं, इधर बैठे हैं, तो कहीं भी मतलब यहाँ चारों तरफ बैठने की जगह इन्होंने बना रखी है प्रॉपर, तो ऐसे बैठ के लोग प्रेयर करते रहते हैं यहाँ पर। ये देखो भाई ये चर्च है, ये चर्च भी हैरी पॉटर से रिलेटेड मूवी में दिखाया गया है। तो आज जो हैरी पॉटर से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी की सारी मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो सारी मैं आपको दिखा रहा हूँ जितनी भी हैरी पॉटर से रिलेटेड चीज़ें हैं। बट शानदार बनाया हुआ है भाई, ज़बरदस्त बनाया हुआ है चर्च ना, तगड़ा, एकदम तगड़ा, एकदम तगड़ी चीज़ बनाई हुई है चर्च ना। और चलो पास से दिखा देता हूँ आपको उधर जाके, ये यहाँ मैडम देखो फोटोग्राफी कर रही है, कितने अच्छे कैमरे से फोटोग्राफी कर रही है, देखो ज़बरदस्त। ये शायद इसका मिडल है जहाँ मोमबत्ती जलती है, जहाँ पे ये फोटो खींच रही हूँ ऊपर वाली, यहाँ की फोटो खींच रही हूँ ऊपर की, शानदार फोटो। आउटलैंडर मूवी है ये, उसमें दिखाया गया है, आप देख सकते हो, अगर आप गूगल करोगे तो आउटलैंडर मूवी में ये दिखाया गया। कैन यू शो मी विच वन द आउटलैंडर पार्ट? या इज द थर्ड सीरीज। No, volevo vedere la foto. You just show me the Google. Yeah. What is it? हाँ ये देखो आप, ये कोई आउटलैंडर मूवी में कोई ये वाला पार्ट बिल्कुल सेम, जहाँ पे हम खड़े हैं ये वाला पार्ट दिखाया गया है भाई, ये है देख सकते हो आप। तो हम ऐसे छोटी छोटी चीज़ें देख रहे हैं जहाँ पे मूवीज की शूटिंग हुई, जहाँ पे हैरी पॉटर की शूटिंग हुई, आउटलैंडर मूवी की शूटिंग हुई, ये सब चीज़ें आप तभी देख पाओगे जब पूरे में वॉक करोगे, इजीली वॉक करके घूमोगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो ये उसका पार्ट है भाई, ये अभी इन्होंने गूगल करा था तो इनको कहीं दिख गया तो ये यहाँ पे आ गए। और ये भी उसी का पार्ट है, देख सकते हो आप, यहाँ से इन्होंने बंद किया हुआ है, अंदर एंट्री नहीं कर सकते, ये कभी कोई शो वो होता है तो इसमें कोई एंट्री होती है, अभी तो नहीं है। तो बस यही था यहाँ पे, और आगे चलते हैं, अभी आगे दिखाते हैं। हम आ गए हैं क्वींस गैलरी, द क्वींस गैलरी है प्लेस शॉप, ये रानी का महल है, यहाँ पे रानी अपनी छुट्टियाँ मनाने आती थी पहले, जो इंग्लैंड की रानी थी, ऐसा कुछ बताते हैं कि इंग्लैंड की रानी का हॉलीडे वाली जगह है ये, हॉलीडे महल। और इसके बिल्कुल सामने पार्लियामेंट है, ये स्कॉटलैंड की पार्लियामेंट है, जो कि अभी हम अगर ये खुली हुई तो अंदर एंट्री करेंगे और अंदर से आपको दिखाएंगे स्कॉटलैंड की पार्लियामेंट। यहाँ पे इजीली पार्लियामेंट में अंदर जाके घूम सकते हैं। तो ये सब है, और ये विजिट फॉर टूडे थर्सडे मंडे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे रेट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे एंट्री के।
so we can't. अच्छा तो ये अभी रेजिडेंस बना दिया है, किंग्स एंड द क्वीन आर रेजिडेंस। तो अब इन्होंने बंद कर दिया, पहले ये खुला होता था, पहले अंदर आराम से घूम सकते थे, अब इन्होंने यहाँ पे रेजिडेंस बना दिया तो इन्होंने अंदर से बंद कर दिया। अब किसी को अलाउड नहीं है अंदर जाना। अब यहाँ पे जब रहने लगे हैं महाराजा और महारानी यहाँ पर रहने लगे हैं तो अंदर कैसे जाएंगे। तो भाई लोग ऐसे बाहर से फोटोग्राफ खिंचवा रहे हैं, इसका देख लो द क्वींस गैलरी का, यहाँ खड़े होकर लोग फोटोग्राफ खिंचवा रहे हैं, बस यही सब है। अगर आप वॉक करके पूरा स्कॉटलैंड घूमो तो भाई बहुत चीज़ें हैं, बहुत, नॉट स्कॉटलैंड, एडिनबरा। स्कॉटलैंड तो खैर बहुत ही बड़ा है, एडिनबरा हम तो भाई सुबह से वॉक करके घूम रहे हैं, और अभी धूप भी निकल गई है तो शानदार वेदर, अच्छा मौसम, हवा भी अच्छी चल रही है और धूप भी निकल चुकी है। और भाई शाम के यहाँ बज रहे हैं 5, और 5 बजे देखो सूरज कितना कड़ा धूप निकल रही है। तो ये अच्छा इन्होंने बंद कर दिया 27 जून, और फ्राइडे 7 जुलाई, 27 जून से 7 जुलाई तक ये बंद है। अच्छा 27 जून से 7 जुलाई तक ये बंद है, कि इन दिनों में ये राजा और रानी यहाँ पे वो आ रखे हैं घूमने के लिए, उन्होंने अपना हॉलीडे प्लेस बना रखा है तो घूमने के लिए आ रहे हैं बस यहाँ पे। तो भाई यहाँ अब आपको इसको मैं बाहर से ही दिखा पाऊँगा, अंदर से तो बिल्कुल नहीं दिखा पाऊँगा, आज अंदर एंट्री नहीं तो कैसे दिखा पाऊँगा। ये देख लो भाई ये ऐसा कुछ महल है, अब इसकी जो एंट्री है वो 27 जुलाई के बाद ही हो पाएगी, 7 जुलाई के बाद ही, 27 जून को इन्होंने क्लोज कर दिया था। तब इसको बाहर से आप अपना अंकल जी घूम रहे हैं पुलिस वाले, देखो ओफो अंकल जी घूम रहे हैं बढ़िया पुलिस वाले। तो भाई बाहर से दिखा दिया आपको, और क्या दिखाऊँ इसका, अंदर से जब एंट्री नहीं है तो इसमें जाऊँ कहाँ से। ये देखो हम स्कॉटलैंड की इसमें आ गए हैं पार्लियामेंट पे, ये देखो स्कॉटलैंड की पार्लियामेंट है, हमने इसमें एंट्री कर दी है, वेलकम टू द स्कॉटलैंड पार्लियामेंट। ये देखो भाई तो हम स्कॉटलैंड की पार्लियामेंट में अंदर आ गए हैं, बच्चे शोर मचा रहे हैं, ये देखो बच्चे लगे हुए हैं शोर मचाने में। पार्लियामेंट देयर शैल बी स्कॉटिश पार्लियामेंट, अच्छा ऐसी है पार्लियामेंट अंदर से भाई। तो भाई ऐसी कुछ पार्लियामेंट है, अभी अंदर हॉल में एंट्री करेंगे, अभी पूछ रहे हैं इनसे, यहाँ पर शायद टिकट है, विजिटर इंफॉर्मेशन, यहाँ पर टिकट लेनी पड़ेगी हमें, आस्किंग द टिकट। तो भाई यहाँ पर टिकट लेनी पड़ेगी, ये इन्होंने एमपीज के फोटोग्राफ भी लगा रखे हैं, ये देखो यहाँ पर टिकट लेनी पड़ेगी हमें, ये पार्लियामेंट है स्कॉटलैंड की, देख लो भाई सीधा आपने आराम से आओ अंदर घूमो पार्लियामेंट में, क्या मज़ेदार चीज़ बना रखी है, फर्स्ट क्लास भाई, मस्त कर रखा है, मस्त एकदम पार्लियामेंट। तो भाई ये थी स्कॉटलैंड की पार्लियामेंट जो मैंने आपको दिखाई, अंदर से वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे, और अभी भीतर पार्लियामेंट चल रही थी प्रॉपर, हम मैं देख के आया हूँ आराम से बैठ के, वहाँ पे इनका जो मिनिस्टर्स थे वो सारे बैठे थे और पूरी प्रॉपर पार्लियामेंट चल रही थी अच्छे से, बहुत मज़ा आया देखने में, मैंने 10-15 मिनट लगाए वहाँ बैठ के सुनने में चीज़ों को, उनको बड़े शांति से और आराम से वो लोग बात कर रहे थे, और वो जो स्पीकर है वो उनकी बातें सुन रहा था और उनको रिप्लाई कर रहा था, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, अच्छे से पार्लियामेंट देखी भाई। तो अभी चलते हैं फिर आगे, बने रहिए, कहीं और चलते हैं घूमने के लिए, और बाकी चीज़ क्या देख सकते हैं वो दिखाते हैं आपको। ये देखो मौसम बहुत शानदार हो रखा है, अभी ये देखो पार्लियामेंट सामने, वो क्वीन का घर और उसके बिल्कुल सामने पार्लियामेंट और साथ में पहाड़ी, कितना शानदार मौसम हो रखा है, ज़बरदस्त मौसम हो रखा है, ऑसम, मतलब हाँ जगह है, ऐसा लग रहा है कि हाँ कहीं घूमने आए हैं भाई, बहुत मज़ा आ रहा है यार। ये पार्लियामेंट थी और पार्लियामेंट में घूम के बंदर आ चुके हैं, बाहर आ चुके हैं पार्लियामेंट से, तो अभी चलते हैं कहीं और, कहाँ घूमना है अभी देखते हैं चीज़ों को। वहाँ से वॉक करते करते यहाँ आ गए, टॉप है एडिनबरा का जहाँ पे हम आ गए हैं, ये वाला मोमेंट हमें को देख लो आप, ये बनाया हुआ है इन्होंने, पर ये इन्होंने क्लोज़ करा हुआ है, पता नहीं किस वजह से क्लोज़ करा हुआ है, ये देख सकते हो आप यहाँ पे आगे भाई, वहाँ से घूमते घूमते अब चलते हैं आगे और दिखाते हैं चीज़ें सामने। आप देख सकते हो जहाँ पे हम गए थे, वो मैंने दिखाया था आपको हैरी पॉटर की जहाँ शुरुआत की थी वो, और भाई ये सामने पहाड़ी, क्या सुंदर व्यू है भाई, कितना सुंदर व्यू है यार, ये देखो जबरदस्त ऑसम व्यू है यार, ऑसम जबरदस्त व्यू है भाई। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर व्यू आ रहा है भाई यहाँ से ना, मज़ा आ गया एडिनबरा घूम के आज, पैदल 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 पूरा एडिनबरा घूम मारा भाई, पूरा मज़ा आया एडिनबरा देखने में, जो सबसे सुंदर जगह है एडिनबरा की भाई, वहाँ पे आ गए हैं देख लो बिल्कुल टॉप पे, यहाँ बना रखा है इन्होंने ये,
ये बना रखा है भाई, देखो क्या चीज़ है, तो वहीं जगह पता लगेगी। पर ये सबसे सुंदर जगह है एडिनबरा की भाई, सबसे ब्यूटीफुल जगह, ब्यूटीफुल पॉइंट। यहाँ पे आराम से शाम को आके बैठ जाओ एक दो घंटे शांति में, क्या सुंदर जगह है यार, लवली यार भाई, सही जगह आ गए, मस्त। आज घूमे तो बहुत है भाई एडिनबरा, पैदल पैदल रेड़ तो बन गई सारी, सांस फूल गई भाई चढ़ते चढ़ते। पर उसके बाद जो जगह देखने को मिलनी है ना, वो इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है जिसकी हद नहीं। अब बंदा यहाँ आके फोटोग्राफ खिंचाए, यहाँ वीडियो बनाए, कितनी सुंदर जगह है यार, ऑसम जगह, ऑसम। वो नीचे पार्लियामेंट जहाँ से वॉक करते हुए आए हैं, वो देखो सामने वो पार्लियामेंट, वो रही वहाँ से यहाँ तक वॉक करते हुए आए हैं भाई ऊपर तक। ये सुंदर जगह, सबसे सुंदर जगह है ये एडिनबरा की। उधर जाओगे तो उधर समुंदर दिखेगा, वो सामने समुंदर है। अब इधर भी चलते हैं अभी सारा वॉक करके, क्या सुंदर जगह है यार, मस्त मस्त जगह आ गए भाई, ऑसम। ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। देखो ये सबसे ऊंचा पॉइंट है एडिनबरा का, यहाँ पे आ गए हैं, ये वो बना रखा है जो उन्होंने। और यहाँ से अगर आप देखो सिटी, तो पूरी सिटी दिखती है भाई। वो सामने कासल है, वो ऊपर खड़े हुए जहाँ उस कासल में लास्ट वीडियो मैंने आपको दिखाया था। और अब देखो पूरी सिटी शानदार दिख रही है ऐसे यार, शानदार व्यू, जबरदस्त व्यू एडिनबरा का। ये जगह ऐसे ऐसे है जैसे याद दिला रही है स्टैचू ऑफ लिबर्टी की, क्योंकि ऐसे ही था स्टैचू ऑफ लिबर्टी पे ऐसे यहाँ ऊपर आ जाते हैं, और यहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना हुआ था, तो यहाँ पे वो बना हुआ है इनका कोई क्या कोई कासल का बना हुआ है, वो मैंने दिखाया था आपको। वो देखो वो वहाँ पे फोटोग्राफ देखना आप, अच्छी फोटोग्राफ मैंने खींची है, इंस्टा पे डालूंगा अभी फोटोग्राफ, वो आपको इंस्टा पर देखने को मिल जाएंगी वहाँ फोटोग्राफ वहाँ वाली, तो आप देख सकते हो कितनी सुंदर जगह है यार, मस्त ऑसम, पूरा बढ़िया एकदम लग रहा है, शानदार हवा चल रही है, शानदार मज़ा आ रहा है देखने में चीज़ों को। और अभी तो मौसम इतना अच्छा हो गया है, और भाई अभी शाम के ना 6:30 बज रहे हैं, देखो सूरज कितनी तेज है, मतलब यहाँ 8 बजे के बाद 8 बजे ही सूरज छिपता है, 8 बजे तक सूरज निकलता रहता है, तो बढ़िया मौसम हो रखा है। सुबह तो बारिश थी, तो अब बारिश बंद है, तो हवा इतनी शानदार चल रही है, इतना मज़ा आ रहा है घूमने में। और हम तो वैसे भी टॉप पे आ गए हैं, बिल्कुल टॉप पे आ चुके हैं स्कॉटलैंड का, नॉट स्कॉटलैंड, एडिनबरा का टॉप है, जहाँ पे मैं अभी खड़ा हुई एडिनबरा का टॉप है, बिल्कुल टॉप। ये ओल्ड टाउन है सामने, ये सामने ओल्ड टाउन है पूरा, और इधर न्यू टाउन है इनका, इधर जाके न्यू टाउन है इनका। तो बहुत मज़ा आया यार घूमने में, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है घूमने में, बने रहिए साथ में, और चीज़ें दिखाता हूँ अभी आपको। मैं ऐसी जगह खड़ा हूँ यहाँ पे, जो एडिनबरा कासल है ये ऐसी जगह है, अगर आपको यहाँ से ये पिक्चर लेनी है ना अपनी, तो ये बहुत शानदार जगह है, यहाँ पे आप खड़े होकर अपनी पिक्चर आ रहा अच्छे से ले सकते हो, कि यहाँ पे व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। और ये प्राइम मार्क है बिल्कुल सामने, एडिनबरा का प्राइम मार्क है, प्राइम मार्क के बिल्कुल सामने ये पॉइंट है, जहाँ पे आप खड़े होकर पिक्चर ले सकते हो आराम से अपनी, बहुत अच्छी पिक्चर आएगी यहाँ पे, मोस्टली यहाँ पे पिक्चर ले भी रहे हैं लोग, तो यहाँ पे अच्छी पिक्चर आएगी। ये कोई भाई साहब खड़े हैं घोड़े पे, देख सकते हो, और यहाँ पे देखो भाई साहब ये पिक्चर ले रहे हैं, तो ये पिक्चर पॉइंट है मेरे हिसाब से, अच्छा पिक्चर पॉइंट है, यहाँ पे आप आराम से पिक्चर ले सकते हो, अपनी फोटोग्राफ खींच सकते हो एडिनबरा की यादों के साथ, कि मैं यहाँ पे आया हूँ एडिनबरा पे, तो यहाँ से अच्छी पिक्चर आती है। ये देखो लोग यहाँ पे पिक्चर ले भी रहे हैं, आप देख सकते हो, ऐसे छोटी छोटी गलियाँ आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएंगी स्कॉटलैंड में, जैसे एडिनबरा की मेन स्ट्रीट से नीचे आ, तो ये सारी की सारी जितनी भी गलियाँ ना ओल्ड टाउन में है, ये सीधा आपको नीचे पहुँचा देती हैं, कहीं से ऊपर पहुँचा देती हैं, ये छोटी छोटी गलियाँ बहुत सारी ऐसी बनी हुई हैं, इसमें पूरे के पूरे एडिनबरा में ऐसी गलियाँ मिलेंगी आपको भाई, ये देख सकते हो छोटी छोटी गलियाँ मिलेंगी आपको, ऐसी सर्च करते 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 आराम से वॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं नई नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं। पर एडिनबरा पूरा ही घुमा है भाई आज, वॉक करते गर्मी हो जाती है, कहीं पे सर्दी हो जाती है भाई, पूरा ही हाल रखा है एडिनबरा में ना, कभी तो बारिश होने लगती है,
तो कभी एकदम से सर्दी पड़ने लगती है, तो कभी जैकेट पहननी पड़ती है, कभी जैकेट उतार देते हैं, गर्मी लगती है, ऊपर गया तो टॉप पे तो वहाँ गर्मी लग रही थी। तो ठीक है, मतलब मज़ा आ रहा है भाई पूरा एडिनबरा घूमने में, और मैंने मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितनी हो सकती थी सारी वीडियोज़ बनाई हैं, सारी आपको दिखाई भी हैं। भाई ये वीडियो यही क्लोज करते हैं, और आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर ठोक देना भाई, और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। राम राम जी।